2021 को रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में जो हादसा हुआ, ये सिर्फ न्यायिक परिसर में ही नहीं, कोर्ट रूम के अंदर ही नहीं, बल्कि जिस समय कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, जज साहब सामने बैठे थे, उस समय पर ये खूनी हादसा हुआ जिसका शोर चारों तरफ फैल गया। इतिहास में पहली बार ये ऐसी शर्मनाक घटना घटी कि कोर्ट रूम में जज साहब के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चली और उस गोलियों की आवाज़ से सिर्फ रोहिणी कोर्ट ही नहीं बल्कि सारी की सारी कोर्ट थर्रा उठी। क्या था ये पूरा मामला, क्या था ये खूनी मंजर, कौन से दो गैंग थे, कौन सा केस था, कौन सी कोर्ट रूम नंबर था, कौन से जज साहब थे, क्यों ये खूनी मंजर जज साहब के सामने हुआ, क्यों लाशों के ढेर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान पे हुए, मैं इन सभी बातों को आज सिलसिलेवार ढंग से आप सभी को बताऊंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और उन नोटिफिकेशंस के ज़रिए आप अपने आप को अवेयर कर सके। कुछ आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 24 सितंबर 2021 को रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में ये खूनी मंजर बिल्कुल जज साहब के सामने हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही हैरानी की घटना है कि आज तक हमने ऐसी घटनाएं तो ज़रूर सुनी हैं कि कोर्ट के बाहर या कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह की वारदातें या ऐसे दो गैंग्स के बीच में खूनी मंजर हुए हैं या गैंगवार हुई है, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोर्ट रूम के अंदर और उससे भी ऊपर जज साहब के सामने जिस समय पर कार्यवाही कोर्ट की चल रही हो उस समय पर ये हादसा हुआ। तो आपको यहाँ बता देना ज़रूरी होगा कि ये हादसा कोर्ट नंबर 207 श्री गगनदीप सिंह जी ASJ स्पेशल जज NDPS के सामने 24 तारीख को आइटम नंबर 1 स्टेट वर्सेस सुनील अलियास जय सुनील मान के सामने हुआ। ये जो केस है ये केस 2016 से इस कोर्ट में चल रहा था NDPS की कोर्ट में और काफ़ी समय से जितेंद्र मान अलियास गोगी इसके अंदर भगोड़ा घोषित हो चुका था और पिछली तारीख यानी कि 26 अगस्त 2021 को जज साहब ने गोगी के लिए प्रोडक्शन वारंट इशू किए थे 24 सितंबर 2021 के लिए। अब जैसे ही ये बात पता चली कि 24 सितंबर 2021 को गोगी जो कि आज की तारीख में अपराध की दुनिया में नंबर 1 पर माना जाता है, उसकी जब पेशी होनी थी तो चारों तरफ सभी लोगों की नज़रें यहीं पर टिकी हुई थी। सारी की सारी पुलिस फोर्स, चाहे वो CISF थी, CRPF थी या और भी कमांडोज थे 3rd बटालियन के या स्पेशल सेल के कमांडोज, वो सारे के सारे मुस्तैद हो चुके थे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी वारदात की आशंका सभी के मन में थी और सभी को ये डर रहता है कि जब इस तरह का कोई भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पेश होता है तो कोई भी अनहोनी घट सकती है। और आप सभी ने पहले भी देखा है कि अलग अलग कोर्ट्स में या अगर कोर्ट रूम में पेशी की बात ना भी करें तो उसके अलावा भी बहुत सारी वारदातें जेल के अंदर भी या बाहर सोसाइटी में भी होती रहती हैं। अब चूंकि ये काफ़ी समय से भगौड़ा घोषित था और 24 सितंबर 2021 को इसको कोर्ट में पेश किया जाना था तो सभी लोग मुस्तैद थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई। मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम बताने की कोशिश करती हूँ कि असल में हुआ क्या। यहाँ मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू और जितेंद्र मान अलियास गोगी जो कि अलीपुर के थे, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत अच्छी ये दोस्ती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, और वहाँ पर जब चुनाव हुए 2010 में
तो उस छात्र संघ के चुनाव में इन दोनों के बीच में दुश्मनी हुई और वो दुश्मनी हुए थे, अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, और वो जो दोनों के बीच में जो रंजिश बनी 2010 में, वो धीरे 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 बढ़ती चली गई। यहाँ आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि नीतू डबोरिया और नीरज बवानिया, इनका नाम अपराध की दुनिया में नंबर वन पर था। 2013 में जब नीतू इनकाउंटर में मारे गए, तो उसके बाद नीरज बवानिया का नाम धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगा। कुछ समय के बाद जब टिल्लू ताजपुरिया और गोगी थे, ये भी अपने दबदबा बनाना चाहते थे, इनके बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, और इस वर्चस्व की लड़ाई के चलते इन दोनों गैंगों के बीच में बहुत बार गैंगवार हुआ है। ये जो वारदात हुई जिसके अंदर गोगी की मौत हो गई, इसके तार सीधे सीधे सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि टिल्लू ने मंडौली जेल के अंदर से ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, पूरी वारदात को बनाया, और ये किस तरह से उसने किया, यहाँ पर उसने दो लोगों का साथ लिया, उमंग यादव जो कि LLB ड्रॉप आउट हैं, और विनय, इन दोनों का उसने सहारा लिया, और इन दोनों के सहारे के साथ उसने इस वारदात को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि उमंग यादव का जो फ्लैट है हैदरपुर में, यहाँ पर काफ़ी समय से ये दोनों जो शूटर्स थे, जो कोर्ट में 24 तारीख को उपस्थित हुए, ये यहाँ पर रह रहे थे, और पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था वो टिल्लू फ़ोन पर उमंग को निर्देश दे रहा था, और वहाँ से ये शूटर्स को निर्देश दिए जा रहे थे। 24 तारीख को कहा जा रहा है कि 24 तारीख को उमंग यादव और विनय अपने साथ इन दोनों शूटर्स को लेकर के आए, और उमंग यादव और दोनों शूटर्स यानी कि इन तीनों लोगों ने वकीलों की यूनिफॉर्म पहन रखी थी ताकि किसी का शक ना जाए। उमंग यादव ने काफ़ी समय पहले से ये रेकी करनी शुरू कर दी थी कोर्ट में, और उसने ये देख लिया था कि कहां कहां पर चूक है, कहां कहां किस चूक का वो फ़ायदा उठा सकता है। विनय जो था वो कपड़ों को और फोन्स को ठिकाने लगा रहा था, और उमंग यादव जो है वो दिशा निर्देश ले रहा था टिल्लू से, और वो डायरेक्ट इन दोनों शूटर्स को बता रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बात करते हैं कोर्ट रूम के अंदर की। 24 सितंबर 2021 को जैसे ही जितेंद्र मान उर्फ गोगी को कोर्ट रूम के अंदर पेश किया, उससे कहीं पहले ये दोनों शूटर्स वकील की वेशभूषा में कोर्ट रूम के अंदर पहले से बैठे हुए थे, तैनात थे। उनको जैसे ही ये सूचना मिली कि गोगी कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में पेश होने लगा है, ये दोनों अपनी तरफ से तैयार हो गए, लेकिन वहां किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि इन दो वकीलों की वेशभूषा में दो शूटर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही गोगी को कोर्ट रूम में पेश किया गया, ये दोनों शूटर्स धीरे धीरे उठ करके करीब जाने लगे गोगी की तरफ को। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि किसी को भी बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने सबको धोखा देने के लिए वकीलों की वेशभूषा पहन रखी थी, और लोगों को ये समझ आया, आसपास के जो लोग थे, कि शायद ये वकील हैं जो आगे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत करीब जा कर के इन्होंने ताबड़तोड़ जो है गोलियां चला दी गोगी के ऊपर। जैसे ही गोगी के ऊपर गोलियाँ चलीं, तो यहाँ से 3rd बटालियन के जो कमांडोज थे और जो स्पेशल सेल के जो अफसरान थे, वो एकदम से मुस्तैद हो गए, और उन्होंने ओपन फायरिंग करनी फटाफट शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 35 से 40 जो राउंड हैं वो कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने चले, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर रहे। ये भी कहा जा रहा है, ये भी बल्कि सभी लोगों ने देखा कि एक जो लेडी इंटर्न है उनके पैर में भी चोट लगी, जो कि भागती हुई, जो वीडियोस में आप सभी ने देखा होगा कि वो भागती हुई बाहर आई और बार बार अपने पैर को देख रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों जो शूटर्स थे जिन्होंने गोगी के ऊपर वार किया था, वहाँ पर गोगी चित हो गया था, और उसको वहाँ से फटाफट जो है वो हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पर 3rd बटालियन की कमांडोज और स्पेशल सेल के अफसरान ने
बहुत मुस्तैदी से काम किया, बहुत बड़ी और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि जो फायरिंग हो रही थी वो फायरिंग जज साहब को भी लग सकती थी गोली, जो वकील खड़े हुए थे बाकी लोग उनको भी लग सकती थी, जो लिटिगेंट्स वहाँ पर और होंगे उनको भी लग सकती थी, कोर्ट स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था उनमें से भी किसी को भी लग सकती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मनों में है, और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ये चूक अगर हुई तो हुई कैसे। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि चलिए उन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए या लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए वकीलों की ड्रेस में वो दोनों किसी तरह से अंदर आने में सफल हो पाए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी वेशभूषा के अंदर आर्म्स छिपा करके रखे थे, वो आर्म्स मेटल डिटेक्टर में क्यों नहीं सामने आए, मेटल डिटेक्टर ने क्यों नहीं डिटेक्ट किया कि उनकी वेशभूषा के अंदर आर्म्स छुपे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल है पूरी की पूरी सिक्योरिटी पर, कि क्यों दिल्ली पुलिस में या जो ये सिक्योरिटी है जो बाहर है वो सिक्योरिटी हमारे लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि कोर्ट परिसर में बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, लिटिगेंट्स भी आते हैं, बहुत सारा कोर्ट स्टाफ भी होता है, जजेस भी होते हैं, वकील भी होते हैं, ये सभी वैसे ही अपनी जान को हथेली पर लेकर के आते हैं, और अगर उनकी सुरक्षा ना की गई, अगर उनको समय पर ना बचाया गया, या ये कहें कि इस तरह से आर्म्स लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में आने में सफल हो पाया, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दिल्ली पुलिस के ऊपर है। दिल्ली पुलिस ने जो डिटेक्टिंग जो मशीन्स हैं क्यों नहीं वो उसके ऊपर काम किया, क्यों नहीं वो कुछ ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लेकर के आते कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति अंदर आर्म्स लेकर के न जाने पाए। इस पूरी घटनाक्रम से एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जो CISF या CRPF के जो जवान हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए विभिन्न दरवाजों पर तैनात हैं, वो नाकाफ़ी हैं। ज़रूरत है इस समय पर स्पेशली ट्रेंड फोर्स, या जिसको कहें स्पेशली सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत है, जो कि ऐसी किसी भी घटनाक्रम को होने से पहले ही रोकने में अपने आप को तैयार कर सके, ताकि इस तरह की कोई भी घटना दोबारा से ना होने पाए। यहाँ आप लोगों को एक बात और बताना ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर कोर्ट रूम में इस तरह का वाकया हुआ तो उनके जैसे ही उन्होंने मतलब वार करना शुरू किया, गोलियां अगर चलानी शुरू की उन गनर्स ने जो जिनके तार टिल्लू ताजपुरिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस समय पर क्यों नहीं जो हमारे कमांडोज थे धट बटालियन के या स्पेशल सेल के थे, उन्होंने क्यों नहीं समय रहते उन्हीं को मार गिराया ताकि गोगी तक वार ना पहुंचता। तो यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, उस दिन थर्ड बटालियन के कमांडोज पूरे कोर्ट रूम में थे, स्पेशल सेल के अफसरान बहुत सारे कोर्ट रूम में थे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी रोहिणी, पूरी रोहिणी कोर्ट में, लेकिन ये सारा जो स्टाफ होता है या ये सारे जो कमांडोज होते हैं वो उसको कोर्ट रूम तक जब पहुँचाते हैं उस समय तक उनके साथ होते हैं, लेकिन इतने सारे लोग कोर्ट रूम के अंदर नहीं जा सकते। और वैसे भी किसी के दिमाग में ये बात आ ही नहीं थी, किसी के दिमाग में ये 1% भी नहीं किसी ने ये सोचा था कि कोर्ट रूम में जज साहब के सामने कोर्ट कार्यवाही के दौरान इतना बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस समय पर कुछ ही गनर्स थे थर्ड बटालियन के या हमारे स्पेशल सेल के जो कि अंदर थे। लेकिन जो ये सवाल है सिक्योरिटी पर दिल्ली पुलिस की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि बाद में सुनने में आया कि बहुत सारे ACPs के DCPs के तबादले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में नाकाफ़ी है। हमारे सभी वकीलों में बहुत ज़्यादा रोष है, हम सभी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर ये हादसा हुआ तो ये हादसा हुआ ही क्यों, और वो सारे पुलिस अफसरान,
वो सारी फोर्स जो बाहर तैनात थी और उनके रहने के बावजूद अगर ये दोनों जो शूटर्स थे जो वकील की यूनिफॉर्म में अंदर आने में सफल हुए, वो कैसे आर्म्स को लेकर के आने में सफल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये लैप्स जो है बहुत जल्दी दुरुस्त करनी होगी, बहुत जल्दी इसको सुधारना होगा और स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर तैनात करना होगा ताकि इस तरह का खूनी हादसा, खूनी मंजर दोबारा कोर्ट रूम में ना होने पाए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है जो ये बिगड़ा, या जो ये शूटर्स हैं ये जो अंदर आए, ये जो है बहुत 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 बड़ा सवाल लेकर के आता है। और ये गवर्नमेंट से ये अपील की जा रही है कि किसी तरह से स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स यहाँ पर तैनात की जाए, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर तैनात की जाए, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जजेस भी हैं, स्टाफ भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, लिटिगेंट्स भी हैं, और जितने भी वकील यहाँ पर कोर्ट के अंदर आते हैं, कोई भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। और जुडिशरी और गवर्नमेंट को मिल करके एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना होने पाए। ये बहुत ही, या ये कहें मोस्ट अनप्रोटेक्टेड सिचुएशन है, मोस्ट अनसेफ सिचुएशन है इस समय पे कोर्ट में। गोगी गैंग की दिल्ली, रोहतक, पानीपत सहित 15 जिलों में जबरदस्त दहशत रही है और इसी वजह से जितेंद्र गोगी पर करीबन 7 लाख का इनाम घोषित था, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी साल अप्रैल में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और वहीं पर उस पर मकोका लगा। हैरानी की बात यह है कि ये जो गोगी है ये वॉलीबॉल का नेशनल खिलाड़ी था, 6 बार ये नेशनल चैंपियन रहा है, इस दौरान इसके बहुत सारे पदक भी इसके हिस्से में आए हैं, लेकिन ये उभरता हुआ सितारा यकायक अपराध की दुनिया में चला गया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने पहली हत्या छेड़खानी के मामले में की थी। दरअसल उसके दोस्त की बहन को एक युवक ने छेड़ दिया, तब गोगी ने उसको डांट दिया। इसके बाद डांट खाने वाली युवक ने कार के शीशे पर गोगी की बहन के बारे में कुछ अपशब्द लिख दिए थे। इस पर वो भड़क गया और उसने उस युवक की हत्या कर दी। यहीं से कहा जा रहा है कि उसके अपराध करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो गोगी की मौत के साथ ही अब जा कर के थमा है। बताया जा रहा है कि हत्या के 28 मामले में उसका नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र गोगी बेहद शांत किस्म का बदमाश था, लेकिन एक बार भड़कने के बाद उसको रोकना बहुत 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 मुश्किल था। यही नहीं, जितेंद्र गोगी जिस चालाकी से हत्या को अंजाम देता था, उतनी ही चालाकी से वो पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो जाता था। गिरफ्तारी से पहले वो दिल्ली हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला गोगी पुलिस की कस्टडी से 3 बार फरार भी हो चुका है। इसके अलावा मोस्ट वांटेड की सूची में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी 30 साल का जो था, तिहाड़ जेल से दुबई के कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से भी सुर्खियों में रहा था। दुबई का कारोबारी लॉकडाउन में जब रोहिणी स्थित अपने घर पर आया तो उससे रंगदारी की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगी ने जेल से ही रंगदारी फिरौती के अलावा अगवा करने और सुपारी से लेकर मर्डर करने तक का काला कारोबार जो है वो जारी रखा हुआ था। यही नहीं, उसके कई गुर्गे हत्या, रंगदारी, लूट जैसे मामलों में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके थे। करीबन 1 साल पहले दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद कुख्यात गैंगस्टर जित गोगी की गिरफ्तारी के लिए गुड़गांव के सेक्टर 83 में छापा मारा था। इस दौरान गोगी के साथ उसके गैंग के 3 साथी कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोई और कपिल उर्फ गौरव भी फ्लैट में थे। पुलिस से घिरने के बाद जितेंद्र गोगी ने फोन पर वीडियो बनाकर वायरल किया था। उसका आरोप था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी और वो सरेंडर करना चाहता था। साथ ही उसने कहा था कि मैं अपने साथियों कुलदीप और मोई के साथ सरेंडर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले कुलदीप मान और फज्जा का रोहिणी में ही पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के स्टूडेंट थे, जबकि कॉलेज के समय से ही दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई थी। यही नहीं, गोगी गैंग और तिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच पिछले 3-4 सालों में 20 से भी ज़्यादा गैंगवार हुई हैं।
जिसमें करीबन 25 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी इन दोनों के बीच में गैंग फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। मैंने आज के इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे सारे जितने भी मैं आप जानकारियां आप लोगों के लिए एकत्रित कर सकूं, उन सभी जानकारियों को एकत्रित करके मैंने एक वीडियो के रूप में पिरोने की कोशिश की है। आशा करती हूं कि जितने भी सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे इस एनकाउंटर के चलते, वो सारी क्वेरीज आपकी सेटिस्फाई हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके जहन में, अगर आपके मन में इस गैंगवार को लेकर के कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। मैं भरसक प्रयास करूँगी आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, अपने सारे साथियों के साथ भी शेयर करती रहिए और सभी को अवेयर करते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।